हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सभी स्टॉक्स का एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी एनालिसिस वीडियो पोस्ट करती हूँ वो आपको सही समय पर मिल सके और आप उन सभी का अच्छे से फायदा उठा पाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है, पहला स्टॉक है जो वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। इस स्टॉक में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये स्टॉक काफी टाइम से इसी सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न की रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है और ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये इस पैटर्न में एक्ट एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है और ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी इस स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया हुआ है और ब्रेक करने के बाद में अभी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर चुकी है। ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न की जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर चुका है। तो आपको आदित्य बिरला फैशन में बहुत अच्छे अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को बाय कहाँ पे करेंगे? ये जो रिटेस्ट करने वाली कैंडल है इस कैंडल को हाई को क्रॉस करने के साथ ही आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो 272। आदित्य बिरला फैशन में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 310 और आपका सेकेंड टारगेट जो होगा वो रहेगा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसको हम मेजर करके देख सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उतने हम अपसाइड मेजर कर लेंगे और वही इसके लिए टारगेट होगा सेकेंड टारगेट। तो एक बार मेजर करके देख लेते हैं। तो पॉइंट्स जो होंगे वो होगा हमारा 352 पॉइंट्स कुछ होंगे। तो इसका एक राउंड फिगर ले लेंगे, 350 पॉइंट तक हम इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पोल है और ये फ्लैग है। जैसे कि आप देख रहे हैं पोल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम सारे बहुत ज्यादा है इन सभी कैंडल्स में और अभी जब ये फ्लैग पैटर्न में बना हुआ है तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम काफी कंसोलिडेट हो गया है यहाँ पे। तो अभी ये ब्रेक कर चुके हैं इस फ्लैग पैटर्न को। तो अगर आपको आने वाले समय में ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगी वॉल्यूम के साथ में, तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं 228.30 के ऊपर और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 216। आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न का टारगेट हम कैसे मेजर करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम पोल की लेंथ मेजर कर लेंगे यहाँ टॉप तक, 128.95 हो रहा है। ब्रेकआउट से इतना ही हम अपसाइड मेजर कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहता है वो रहता है ये जो क्रॉस दिख रहा है हमें पोल का हाफ, वो इसका फर्स्ट टारगेट रहता है और सेकंड टारगेट रहती है इसकी फुल लेंथ। तो हम इसको अपसाइड मेजर कर लेंगे, जितना भी बनेगा ये इसका टारगेट रहेगा टाटा पावर का।
ये 352 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो हाफ जो रहेगा वो एक बार हम मेजर कर लेंगे, हाफ में जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 2286, और इसका जो फाइनल फुल लेंथ का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 350। राउंड लेवल ले लिया है मैंने, 352 हो रहे हैं और इसका राउंड लेवल मैंने 350 ले लिया है, तो इसमें तीन टारगेट मिल रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 267 रहेगा, सेकेंड टारगेट जो हाफ है पोल का वो रहेगा 286, और थर्ड टारगेट रहेगा आपका 350। तो आप इस स्टॉक को 350 तक होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तो आप एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट स्टॉक है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर में ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, ये स्टॉक यहां से रिवर्स हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हो चुका है। साथ में इस स्टॉक में ये जो एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट के ऐसा वर्क कर रही है इस स्टॉक के लिए। आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पे आके बाउंस बैक हो रहा है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहीं से बाउंस हुआ है, सेकेंड टाइम यहाँ से बाउंस हुआ है, थर्ड टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे। अब ये डब्लू पैटर्न बना रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डब्लू पैटर्न की जो नेक लाइन है जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यहाँ पे ये स्टॉक चेंज इन पोलैरिटी मोड में है। तो दोस्तों आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको अच्छे अप मूव देखने को मिल सकते हैं। ये जो डब्लू पैटर्न की नेक लाइन है ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है, ये रिटेस्ट भी कर चुका है अपने रेजिस्टेंस लेवल को, तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ये जो रिटेस्ट कैंडल है इस कैंडल के हाई को क्रॉस करने के साथ ही आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ये है इस कैंडल का हाई 137.30, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो 129, और जो आपका टारगेट रहेगा वो आप डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, वो आप मेजर करके देख सकते हैं, आपका टारगेट रहेगा 159। तो आप इस स्टॉक को 159 तक होल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों कल अगर आपने अभी तक मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है आईसीआईसीआई बैंक की, अगर जिन लोगों ने देखी है उनको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा इंट्राडे के अंदर भी, और जो लोगों ने नहीं देखी है वो लोग एक बार देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। गुड डे, गुड ट्रेडिंग।